अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सिल्की स्मूथ ग्रेवी वाला वाइट अंडा करी, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आप एक बार इस तरह से एक ग्रेवी आपके घर वालों को बनाकर खिलाएंगे तो आपकी तारीफ ही करते नहीं थकेंगे, इतना टेस्टी बनकर ये तैयार होता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह बोलकर गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे, उसमें 1/4 कप तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही बॉयल्ड अंडा को हम इस तरह से कट लगा कर डाल देंगे। अंडों को हमें गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देख सकते हैं अंडों में गोल्डन कलर आ चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में 2 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाले हैं, वो शूट नहीं हो पाया है आप इसी समय डाल देना। अब हम इसमें 10 से 12 बादाम डालेंगे, बादाम का हमने छिलका उतार लिया है। अब हम इसमें 5 से 6 काजू डालेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर 4 हरी मिर्च डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस हमें प्याज को इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं, इसको मिक्सी जार में निकाल लेते हैं। अब हम सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डाल देंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही 2 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी, 3 से 4 लौंग डालेंगे। कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमने प्याज और बादाम काजू का जो पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे। अब हम जार में थोड़ा सा पानी डालकर वो मसाला निकाल लेंगे। अब हम इसमें एक बॉयल आने देंगे। हम देख सकते हैं इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच दही डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फ्राई किए हुए अंडे डालकर 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अब देख सकते हैं 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई को अच्छे से फेंट कर इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 4 हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा सिल्की स्मूथ ग्रेवी वाला वाइट अंडा करी रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलना, कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी हमारी रेसिपी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में हमें याद रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।